जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर महिला ने 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी की प्रेमी की चाहत में हत्या कर दी। 1 साल पहले हुई हत्या की अब खौफनाक सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने महिला व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अजगरहा गांव का है, जहां राजू साकेत नाम के युवक की 12 अगस्त 2021 को मौत हो गई थी। अत्यधिक शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही थी, वहीं परिजनों ने हत्या का संदेह जताया था। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर विसरा जांच के लिए सागर भिजवाया। उसी रिपोर्ट के मिलने पर शराब में जहर होने की जानकारी सामने आई है। हत्या की संभावना का पता लगाने के लिए थाना प्रभारी विद्या वरिधि ने नए सिरे से जांच की तो उसकी पत्नी अर्चना का लालपुर थाना अमरपाटन में रहने वाले युवक संदीप साकेत के साथ प्रेम प्रसंग होने की जानकारी मिली। पुलिस ने गहराई से जांच की और दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। आरोपियों ने बताया कि जहर संदीप साकेत ने भिजवाया था, जबकि उसकी पत्नी ने साथ में शराब पीने का बहाना कर पति के ग्लास में जहर मिला दिया था। जहर भरी ग्लास का सेवन करते ही पति तड़पने लगा, लेकिन पत्नी प्रेमी से मोबाइल में चैटिंग कर पूरी घटना की जानकारी देती रही। हालत बिगड़ने पर सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बताया जाता है कि शादी से पहले महिला का प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह शादी के बाद भी उसे नहीं भुला पाई थी, जिसके लिए पति को मौत के घाट उतार दिया और पूरे मामले का खुलासा विसरा रिपोर्ट से हो गया। आइए आपको सुनाते हैं पूरी घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या कहा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र ने एक ब्लाइंड मर्डर को ओपन किया है और गत वर्ष ये घटना हुई थी, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात मर्ग कायम किया गया था और विभिन्न एंगल से उसकी जांच की जा रही थी। पिछले महीने जब रिपोर्ट्स प्राप्त हुई कि उसके भोजन में जहर देके उसको मारने की आशंका उसमें प्रकट की गई, उसके बाद साइबर सेल ने भी अपना होमवर्क किया, थाने की टीम लगी और इन लोगों ने बहुत शीघ्रता दिखाते हुए 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है। मृतक की पत्नी ने पूरा घटनाक्रम जो बताया है, उसने अपने जिस व्यक्ति के साथ उनके संबंध थे उनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, इस प्रकार के उन्होंने घटनाक्रम पूरा बताया, उसको देखते हुए उनको अरेस्ट किया गया है 2 लोगों को। और चूँकि टीम ने बहुत तत्परता दिखाई रिपोर्ट्स प्राप्त होने के पश्चात और तत्काल FIR पंजीबद्ध करके आरोपियों को राउंडअप किया, तो उस टीम को हम लोगों ने 5,000 रुपये कैश रिवार्ड देने का घोषणा भी किया है। सर, ये इन दोनों शादी भी किए क्या बाद में? जब विवेचना हमारी चल रही थी उस दौरान कुछ शक के बिंदु जो जन्मे थे, वो ये भी एक बिंदु निकल के आया था कि महिला ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति से विवाह किया है। वो विवाह के पश्चात उनके घर वालों ने हमको बताया कि इसमें कुछ व्यक्ति के ऊपर संदेह हमको है, तो उस पर वॉच लगातार हम रख रहे थे, जिसको आखिरी में जब रिपोर्ट प्राप्त हुई और पूछताछ दोबारा की गई तब ये बात क्लियर हुई, तो हम लोगों ने उसको तत्काल अरेस्ट कर लिया।